nutrition.com क्लासिक 2021 में मैं सनी फ्रांसिस आप सबके समक्ष, और जैसे हमने प्रॉमिस किया था हम आपको लेजेंड से मिलाएंगे, इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड्स, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, मिस्टर महाराष्ट्र पता नहीं कितने बार, और सबके दिलों में राज करने वाले ऐसी शख्सियत संग्राम चोंगले सर हमारे बीच में मौजूद है। और सर आपका स्वागत है नागपुर में। थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग इंट्रोडक्शन। संग्राम भाई आपको देख के एक चीज पहले इंप्रेशन में एक आती है कि यार ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बाहुबली है, लेकिन ये जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, ये हम्बलनेस आप कैसे कैरी करते हैं इतने सालों से? मेरा वेट हमेशा 100 kg रहता है और मेरे वेट ज्यादा है ना तो अगर मैं पैर उठाऊँ तो गिर जाऊंगा। दैट्स द रीजन कि मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ कि मेरे पैर जमीन पर है। जोक अपार्ट कि वेट ज्यादा है इसलिए जमीन से ऊपर नहीं जा सकता। दूसरी रीजन क्या है कि देखिए डिपेंड्स करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोचते हो दूसरे के बारे में। जी अपने बारे में अलग सोच है आपकी, कि हर किसी को लगता है कि आई एम द बॉस, आई एम द बेस्ट लगना चाहिए, है ना जी। बट फॉर यू खुद को मोटिवेट करने के लिए, या फिर जैसे कि किसी को भी खुद को लूजर नहीं समझना चाहिए जी, है ना। बट किसी को भी खुद को ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि बैकसाइड लूजर है। तो वो मैं मेंटेन करता रहता हूँ कि अगर मुझे कब लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा फेम मुझे मिल रहा है, उस टाइम पे मैं मेरे थोड़े ऊपर के लोगों को देखता हूँ यार वो भी है मेरे ऊपर, बॉडी बिल्डर जो है रॉनी कोलमन है, या फिर हम लोग उसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, फिल्म एक्टर से तो नहीं करेंगे जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस लेजेंड की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत जब आपने पहला कदम रखा बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में, वो दिन और वो दिन को जब आज संग्राम पलट के देखता है तो उसे कैसा फील होता है? एक्चुअली मेरे लाइफ में सारी चीजें एक्सीडेंटली हो गई है जी। मुझे बॉडी बिल्डर बनना नहीं था, इंजीनियर नहीं बनना नहीं तो मेरे मुझे मालूम था, बट बॉडी बिल्डर तो मैं बाय एक्सीडेंटली बन गया। मार्क्स अच्छे पड़े थे तो मैं इंजीनियरिंग के लिए गया जी, बट जब मैं पुणे में शिफ्ट हो गया अराउंड 2000 में, उस टाइम पे मुझे लगा कि यार कुछ गलत हो रहा है, मुझे मार्क्स अच्छे इसका मतलब ऐसे नहीं कि हर कोई इंजीनियर बन जाए। मेरी सिस्टर मेरी जज है, मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में है, और मेरा पूरा फैमिली एजुकेटेड है, पापा मम्मी मेरे टीचर, सो सबका ख्याल यही था कि मैं भी टीचर बन जाऊँ, अच्छी सी जॉब ले लूँ और कर लूँ। लेकिन मेरा दिमाग में वो नहीं था कि यार हर अगर एक नॉर्मल कंडीशन में जाऊँगा ना, तो पहले से था कि कुछ अलग करना है, तो ऐसा कुछ करना था कि लोगों को बताना नहीं पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दिस वॉज द बेस्ट थिंग, आई वॉज गिफ्टेड, बचपन से मेरे बॉडी में बाकी सब लोगों से ज़्यादा डेवलपमेंट होती थी, क्योंकि मैं रनर था, मैं फुटबॉल प्लेयर था, हर आई वॉज एन एथलीट, तो हर ग्राउंड का इवेंट करता था मैं। सो ये करते करते बॉडी बनती गई, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। बट एक टाइम पे एक साल मेरा ऑफ हो गया इंजीनियरिंग का, बिकॉज ऑफ मैंने एग्जाम पेपर छोड़ के मैं क्रिकेट खेलने गया था, तो उस टाइम पे मेरा एक साल डाउन हो गया। उस टाइम पे जब घर आया तो पापा ने मुझे जिम में लगाया, उसके पहले मैं जिम नहीं जाता था। तो जिम में जाने के बाद वहाँ के टीचर ने मुझे बताया कि कॉम्पीट कर लो, क्योंकि मेरे एब्स अच्छे थे। तो 20 साल पहले कैसा था कि अगर आपके एब्स अच्छे ना आप अच्छे बॉडी बिल्डर हो, क्योंकि एब्स सबसे इंपॉर्टेंट। अभी भी कंडीशन में देखेंगे ना तो एब्डोमिनल का वर्कआउट करना बहुत मुश्किल रहता है, और वो मसल सबसे ज्यादा लेट डेवलप होता है। आप मॉडलिंग कर चुके हो, आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका कोर पे रहता है, क्योंकि अगर जिसका पेट है ना वो उसको कोई सोचता नहीं कि वो एथलीट है या फिर मॉडल है या फिर बॉडी बिल्डर है। सो वो रीजन मेरा था कि मेरा कोर बहुत स्ट्रांग था, बिकॉज आई वॉज रनर। सो वो देख के मेरे टीचर ने मुझे बताया कि आप बॉडी बिल्डिंग करो। तो पहला कॉम्पिटिशन मेरा इस तरीके से हो गया, तो फर्स्ट कॉम्पिटिशन मेरा 4th prize बढ़ गया, तो लगा यार कर सकता हूँ कुछ। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोल दिया कॉम्पिटिशन करते रहो। ऐसे मेरे पास 6-7 महीने थे जिसमें ऑफ था, तो ये करते करते मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया। बाकी कुछ प्लानिंग नहीं था, इंसिडेंटली आया और उसके बाद दुनिया पे छा गए। ये आप लोगों ने मतलब बिठा दिया उधर जी जी जी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो ये कंपटीशन हो रहा है नागपुर में, nutrition.com क्वेश्चन है, मनोज भाई है, अनवर भाई है, इन लोगों ने जो ये कंपटीशन किया है, इसमें बहुत सारे जो एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स हैं, कई तो ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो हमें पता चल रहा है पहली बार स्टेज फेस करेंगे, उनको क्या कहना चाहेगा ये लेजेंड? गाइज मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो मनोज और अनवर भाई ने जो कॉम्पिटिशन लिया है, तो उनका मकसद जो भी हो, बट उनका जो इंटेंशन जो भी हो, आपके लिए बहुत अच्छा स्टेज मिला है आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि 3 साल से कॉम्पिटिशन नहीं हो रहे। नागपुर में बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, अगर आप देखेंगे ना तो नागपुर में अगर आप गिन चुन के करोगे तो कम से कम 50-60 एथलीट्स आपको सिर्फ नागपुर में मिलेंगे जी। इतना अच्छा एथलीट्स का एरिया है, रीजन है।
तो उनको तो ये चांस मिल गया, बट इन्होंने ओपन कॉम्पिटिशन रखा है, इतने सारे बॉडी बिल्डर्स, इतने सारे एथलीट्स दो दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनको चांस नहीं मिल रहा स्टेज पे जाने का। सो सबको बोलूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छा स्टेज मिला है, और मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा मनोज भाई को और अनोर भाई को कि उन लोगों ने हमें बोला यहाँ पे, और मेरे साथ चार पांच ऐसे लोग हैं जिनको हम तीन तीन चार चार साल से मिले नहीं है। ओके, सो दैट इज द बेस्ट थिंग कि हम सारे लोग जिन्होंने अभी लगभग बॉडी बिल्डिंग से क्विट किया है, मतलब बॉडी बिल्डिंग छोड़ा नहीं है पर कॉम्पिटिशन करना छोड़ दिया है, सो वो सारे लोग एक साथ आ जाएंगे ना, तो हमारी मेमरीज एक साथ आ जाती है, पुरानी यादें। उस टाइम पे हम लोग एक दूसरे को ऐसे खुन्नस से देखते थे कि ये मेरे ग्रुप में आएगा तो क्या हो जाएगा, देना ऐसा वैसा। लेकिन जब हम लोग उससे स्टेज से नीचे आ गए ना, तो सबको लगता है यार उस टाइम का टाइम जो था कि हम दूसरे को एक दूसरे को कैसे गलत समझते थे। सो फिर मैं बहुत ज़्यादा बार चैंपियन हुआ नहीं इंडिया में जी, हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल्स हैं जी, हम थ्राइस मिस्टर वर्ल्ड, ट्वाइस मिस्टर एशिया, देन साउथ एशिया ओवरऑल चैंपियनशिप मैंने जीती है। इंडिया की मेरे टाइटल बहुत कम है, तो ग्रुप में मैं पांच बार मिस्टर इंडिया बन चुका हूँ, लेकिन छठी बार मैं ओवरऑल चैंपियन बना। जिस टाइम पर मैंने चैंपियनशिप जीता उस टाइम से मैंने कॉम्पिटिशन छोड़ा है। बॉडी बिल्डिंग में यह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि फाइनेंस, देन आता है आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। सो जेनेटिक्स मेरे पहले से अच्छे थे, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती चली गई। हम लोग ऐसे ही कंपटीशन करते रहते थे ना, जैसे मैं हूँ, यतिंद्र है, सुहास है, तो जूनियर लोगों को चांस कभी नहीं मिलता था। yes. मेरा तो ख्याल ये है, इसलिए मैंने क्या किया कि जैसे मैंने एक लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए। हाँ, क्या है कि देखिए आप एक लेवल पे चले जाते हो, आपका एज बढ़ता जाता है, लेकिन बॉडी बिल्डर्स को लगता नहीं है कि अपना एज बढ़ रहा है, क्योंकि उसको लगता है मैं चैंपियन हूँ चैंपियन हूँ। लेकिन उस टाइम पे क्या रहता है, जो स्ट्रगलर्स रहते हैं जूनियर्स, उनका एज रहता है 24-25 साल, हम लोग 35-40 के आसपास चले जाते हैं, तो अपना मसल डाउन होता जाता है, लेकिन हमें लगता नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप एक लेवल पे जीतते हो ना, वहाँ से आप मतलब रिस्पेक्टफुली अगर नीचे निकलते हो ना, तो आपको सारे रिस्पेक्ट करेंगे। बट जूनियर आके आपको बीट करते जा रहे हैं, देन आप झगड़ा कर रहे हो, मेरा बॉडी अच्छा था लेकिन फिर भी इसको दिया, फिर आपका बॉडी अच्छा नहीं है फिर भी आपको बिकॉज ऑफ सीनियरिटी दे रहे हैं, तो आपका नाम खराब होता रहता है। तो मेरा ख्याल ऐसा था कि मैं लेवल एक लेवल पे हूँ ना, तो वहाँ पे अभी अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मुझे वो लेवल छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं डाउन आ सकता हूँ। इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप कॉम्पिटिशन आगे जीते। जब मैंने सोचा कि मुझे ओलंपिया के लिए तो जाना नहीं है, दैट इज द मोस्ट हाईएस्ट स्टेज है, क्योंकि एज चला गया था उन लोगों की जितना बनना पॉसिबल नहीं अभी, तो ये चीज़ें मैंने छोड़ के चले गई, और फिर इस तरीके से हमारा ग्रोथ चलता है। अभी टीवी की तरफ लोग करेगा ये रिलेशन मैं मूवीज तो कर चुका हूँ, दो मूवीज हो गई मेरी, टीवी सीरियल में मुझे ऑफर्स आए थे, लेकिन उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आप मॉडल हो, आपको मालूम है कि yes, yes. अगर आपको टीवी सीरियल में काम करना ना, तो आपको टाइम रहता नहीं है, कॉन्स्टेंटली 24/7 करना पड़ता है, आपका मूड देखना नहीं है, आपको वहाँ पे वो जो फिल्म सिटी है वहाँ पे जाके रहना पड़ता है। मेरे बहुत सारे दोस्त है मराठी मूवीज में है, एक्टिंग करते हैं, मतलब सीरियल्स में है, टॉप पे है, लेकिन इनकम के हिसाब से भी देखेंगे ना, तो उतना इनकम उनका है नहीं जितना हम लोगों का है। अगर वो एज अ गेस्ट में चले जाते हैं ना, उनका और हमारा फीस सेम रहता है, बट उनका स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा है और उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो डिपेंड्स करता है कि सामने वाले के ऊपर आपको कौन चूज़ करेगा, आपका एक्टिंग देखेंगे या फिर आपका पर्सनलिटी देखेंगे। ये चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और आपको कमिट करना पड़ता है कि 2 साल के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। तो उस साल में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरे अराउंड 18 जिम है खुद की, फिजिक जिम, देन मैं 2-3 कंपनी का एम्बेसडर हूँ। वो सब छोड़ के मुझे इसमें जाना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्टर, आई कैन बी ए हीरो, आई कैन बी आइकॉन, मुझे आई कैन बी स्टाइल आइकॉन, तो मुझे देख के लोग फॉलो करेंगे, आई एम नॉट एन एक्टर। ओके, तो जो सीरियल की चीज़ है ना, वो एक्टिंग पे डिपेंड है। आखिरी एक सवाल बहुत बहुत जल्दी से, कि जब आप अपनी कार चलाते रहते हो, अकेले में होते हो, कौन सा गाना होता है जो गुनगुनाता है कुछ ना कुछ तो ज़हन में चलता रहता है? नहीं, एक्चुअली मुझे वो गाने पसंद है जिसके ऊपर मुझे सोचना नहीं पड़ता। ओके, सो आई लाइक म्यूजिक ओनली, मुझे लिरिक्स पसंद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर। अगर आप सैड मूड में हो ना, तो आप लिरिक्स की तरफ चले जाते हो, तो आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो। सो मुझे उसमें पढ़ना मतलब पसंद नहीं है, और जब मैं खुश रहूँगा तो मैं सिर्फ बीट्स सुनूंगा, उसके लिरिक्स सुनूंगा, तो मुझे बीट्स पसंद है जो मेरे कान के अच्छे लगे, लेकिन वो दिमाग मेरा उसमें नहीं जाता। 15 महीने बता दिया यहाँ पे अपनी बातों से कि वो इंजीनियर है, बीट्स पे आ गए, इस पे आ गए, फीलिंग्स को दूर रख दिया। तो ये लेजेंड संग्राम जो है नागपुर आए हैं, और अभी थोड़ी ही देर में जो है स्टेडियम की ओर रुख करेंगे न्यूट्रिशन.com क्लासिक 2021 में। स्टे ट्यून, अब मिलेंगे हम संग्राम भाई के साथ।
एंड गाइस ऑल द बेस्ट, अच्छे से कॉम्पीट करना, हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए।